आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज के दिन भक्त माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का दिन। कहते हैं कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ के दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। कहते हैं कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, माँ उसके सारे दुखों को हर कर उसे एकाग्रता, सहनशीलता और धैर्य का आशीर्वाद देती हैं। चलिए अब आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने। मान्यता है कि माँ को सफेद रंग की वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए उपासना के दौरान माँ के चरणों में मिश्री, शक्कर, पंचामृत, अक्षत जैसी वस्तुएं अर्पित करें। इसके अलावा माता को सिंदूर, धूप, गंध और फूल भी अर्पित करें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली का फूल अत्यधिक प्रिय है। अगर हो सके तो पूजा में चमेली का फूल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी के लिए मंत्र ओम एम नमः का जाप करें और फिर आखिर में कपूर या फिर गाय के घी से दीपक जलाकर माता की आरती करें और शंखनाद के साथ घंटी बजाएं। मान्यता है कि आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करता है, माँ उसके जीवन को खुशियों से भर देती हैं और भक्तों के जीवन से घोर निराशा का अंधेरा छांटकर प्रकाश से भर देती हैं। माँ की पूजा करने वाले भक्त के जीवन में भले ही कितनी भी परेशानियां आए, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता। स्पेशल रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।